हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स देखे थे और ऑपरेटर्स का यूज कहाँ होता है, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर हमने देखे थे पिछली तरह। अब ऑपरेटर में बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनकी प्रिसिडेंस और उनका ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। तो ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन में क्या होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा बाद में ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। तो इसी में एक इसी को बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। व्हेन टू और मोर ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस देन एसोसिएटिविटी डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। जैसे प्लस और माइनस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी मतलब उनका ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन सेम रहता है, तो जो पहले आएगा वो पहले कैलकुलेट होगा। वॉट एवर ऑपरेटर कम्स फास्ट इट विल कैलकुलेट फास्ट। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये हम देख रहे हैं, ये ऑपरेटर मेनली है। जैसे फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। एक्सपोनेंट कल हमने देखा था रेज, जैसे 2 की पावर 5 तो 32 आएगा, 2 रिस्टू 2 रिस्टू 2 रिस्टू 2 रिस्टू 2। सेकेंड हमने कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर भी हमने देखे नहीं है, बट हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, देख लेंगे। थर्ड है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन इसमें ऐसा है कि एसोसिएटिविटी जो ऑपरेटर का डिस्क्रिप्शन दे रखा उसी ऑर्डर में। जैसे पहले आपको जो अगर मान लो सारे आपके एक्सपोनेंट और सारे ऑपरेटर्स दे रखे, तो वेरी फास्ट जो कैलकुलेट होगा वो एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैलकुलेट होगा। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर के 3 ऑपरेटर कैलकुलेट होंगे। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए 4 ऑपरेटर कैलकुलेट होंगे, मतलब उसमें भी पहला स्टार रहेगा, फिर डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस और फिर तो फिर नेक्स्ट पर रहेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, फिर राइट और लेफ्ट बिटवाइज, फिर बिटवाइज एंड, उसके बाद फिर बिटवाइज, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर ये कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। फिर इक्वलिटी ऑपरेटर, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, फिर उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर और लास्ट में लॉजिकल ऑपरेटर। पाइथन में सबसे आखिरी प्रायोरिटी लॉजिकल ऑपरेटर की है, उसको याद करने का तरीका है। और सबसे पहली प्रायोरिटी, वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब इसी को और अच्छे से हम समझते हैं। ये आपका दे रखा है, इसमें ये भी वही है, बस अंतर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। इसमें हमने सिंपल ब्रेसेस भी ले रखे हैं। और इसमें थोड़ा सा एक चीज ये भी है कि कौन सी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट काम करती है, मतलब लेफ्ट से राइट काम करती है, कौन से राइट टू लेफ्ट। अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जाएगी समझने में, बट अब उसको प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको क्लियर हो रही, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ये हो रही है। तो इसमें पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी पहले होती है, दूसरी होती है फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल की प्रायोरिटी सेकंड होती है, फंक्शन कॉल भी हम समझेंगे। थर्ड स्लाइसिंग की प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ सब्सक्रिप्शन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये प्रायोरिटी होती है। कुल मिला के हम इन शॉर्ट बात करें तो पहली प्रायोरिटी एक्सपोनेंट की होगी, सबसे आखिरी प्रायोरिटी लॉजिकल की होगी, ये हमको ध्यान रखना है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एसोसिएटिविटी और उसका प्रेसिडेंस। तो एक्सपोनेंट जो होता है वो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ वर्क करता है, बाकी सारे ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर मेंशन नहीं दे रखा कर रखा। तो कुल मिला के सारे ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं, केवल एक्सपोनेंट और असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट वर्क करते हैं, ये हमको समझने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं बता दूं प्रीसीडेंस का मतलब क्या होता है। मान लो ए प्लस बी इंटू सी,
ये मैंने एग्जांपल दिया ए प्लस बी इंटू सी, तो ए प्लस बी इंटू सी मतलब बी इंटू सी पहले इवेल्युएट होगा उसके बाद वो प्लस होगा, ये उसके कैलकुलेशन का तरीका होता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अब और भी एग्जांपल है जिसको हम समझते हैं। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, एक्सप्रेशन कंटेंट मोर देन वन ऑपरेटर, जहां पर एक से ज्यादा ऑपरेटर हो, देयर प्रेसिडेंस ऑर्डर और हायरार्की डिटरमाइंस व्हिच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट, कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाइड होगा। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर, हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इवेल्युएट हो रहा है लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर। इन द फॉलोइंग एग्जांपल मल्टीप्लाई डिवाइड है सेम प्रेसिडेंस देन प्लस एंड माइनस, तो मल्टीप्लाई डिवाइड पहले होता है, लेकिन मल्टीप्लाई पहले आएगा तो पहले मल्टीप्लाई कैलकुलेट होगा, डिवाइड बाद में आएगा तो डिवाइड विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर दिस। नोट, पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, तो पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस, तो पैरेंथेसिस का वैसे भी इवेल्युएशन फर्स्ट होता है, हमने देख ही चुका है। The expression within parentheses is evaluated first for operator with equal precedence. The expression is evaluated left to right. अब ये एक important बात यहाँ हम देख रहे हैं, कि कैसे evaluate होता है। अब जैसे ये example हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा हाउ विल यू पाइथन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 20 प्लस 30 इंटू 40। मैंने अभी आपको बताया था ए प्लस बी इंटू सी, वही एग्जाम्पल यहां पर है। अब प्लस और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी, तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी पहले है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, मैं फिर आपको वो उस टेबल की तरफ ले जाता हूं। ये रहा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रायोरिटी पहले है, प्रोडक्ट डिवीजन रिमाइंडर की प्रायोरिटी पहले है, प्लस माइनस, ये देखो आप ये देख रहे हो यहाँ पर, इसकी प्रायोरिटी इससे पहले। तो थर्टी इंटू फोर्टी पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद उसमें 20 एडिशन होगा, तो दे भी रखा 30 इंटू 40 मतलब 1200 प्लस 20 1220, ये दे रखा, तो ये आपको कैलकुलेट। अब वही एक्सप्रेशन देखो आप नीचे आ रहा है, तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी पहले, हाउ विल पाइथन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 20 प्लस 30 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 40, तो 20 प्लस 30 पहले कैलकुलेट होगा, बिकॉज ब्रेसेस पहले सॉल्व होते हैं, अगर आपके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दे रखा है तो ब्रेसेस सिंपल ब्रेसेस पहले सॉल्व होते हैं, तो 20 प्लस 30 इंटू 40, ये 20 प्लस 30 जो होगा वो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 40 2000। अब देखो दोनों सेम है, बस दोनों में डिफरेंस कहाँ आ गया ये समझने वाली बात है। अगर आपका यही ऐसा कैलकुलेशन होता 20 इंटू 30 प्लस 40, तो उसमें भी 20 इंटू 30 पहले कैलकुलेट होगा 600 और फिर प्लस 40 640, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस या उनका ऑर्डर, उनका तरीका। अब आगे पढ़े हैं, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एग्जांपल भी है। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखो आप, हाउ विल यू फॉलोइंग द एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड 15.0 डिवाइडेड बाय 4.0 प्लस 8 प्लस 6.0। अब हम वापस प्रायोरिटी देखते हैं किसकी प्रायोरिटी पहले, तो जब हम वापस प्रायोरिटी देखते हैं तो डिवाइड की प्रायोरिटी पहले, ये डिवाइड की प्रायोरिटी, प्रोडक्ट डिवीजन रिमाइंडर, डिवाइड की प्रायोरिटी पहले, तो 15.0 डिवाइडेड बाय 4.0 प्लस 8.0 प्लस 3.0, तो 15 डिवाइड बाय 0.0 डिवाइड बाय 4.0 की वैल्यू 3.75 है, फिर ये कैलकुलेट होगा, और प्लस 8 और 3 पहले कैलकुलेट होगा क्योंकि ब्रेसेस पहले सॉल्व होता है, तो 8 और 3 पहले कैलकुलेट हुआ 11, 3.7 प्लस 11 तो 14.75 इसकी वैल्यू आएगी, तो
इस तरीके से ये कैलकुलेट करता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मेरे ख्याल से इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है और कहाँ करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब एक नया टॉपिक आपका आ रहा है। कल हमने ऑपरेटर और उनके प्रेसिडेंस पढ़े थे और आज हम उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब कोई भी प्रोग्राम पाइथन में सबसे पहले कंपाइल होता फिर रन होता। कंपाइल करते इसका मतलब आप एरर फाइंड आउट करो। एरर अगर फाइंड आउट होती तो इसको एरर को रेक्टिफाई करने की प्रोसेस को डिबगिंग बोलते हैं। जो एरर साथ ही व्हाट एवर एरर इज कमिंग और शोइंग, इफ यू आर सॉल्विंग दैट एरर, प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग। अब सबसे पहले आता है ड्यू टू एरर प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट। तो सही बात है, एग्जीक्यूट होना मतलब रन नहीं होना। प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों होता है, वैसे पाइथन में तो डायरेक्टली डीबग रन ही होता है। तो सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, दो एरर बताइए। सिंटेक्स एरर मतलब थ्री एरर आर देयर, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तीन तरह की एरर आती है। तो पहला है सिंटेक्स एरर। लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हैज रूल टू डिटरमाइन हाउ अ प्रोग्राम इज टू बी रिटन, दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स का मतलब जैसे अभी आपने देखा इनपुट कहाँ लिखना, सिंपल ब्रैकेट कैसे लगाना, कन्वर्जन कैसे करना, सबसे पहले क्या लिखना, कमेंट कहाँ लिखना, कमेंट के लिए सिंबल कौन सा यूज करना, ये सारी चीजें सिंटेक्स के से रिलेटेड आती है। प्रिंट स्टेटमेंट में कितने आर्गुमेंट पास होंगे, इनपुट स्टेटमेंट में कितने आर्गुमेंट पास होंगे, ये आपका कहलाता है सिंटेक्स एरर। लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हैज रूल दैट डिटरमाइन हाउ अ प्रोग्राम इज टू बी रिटन, दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। द इंटरप्रेटर कैन इंटरप्रेट अ स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम ओनली इफ इट इज सिंटैक्टिकल करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल पैरेंथेसिस मस्ट बी इन पेयर्स, सो द एक्सप्रेशन 10 plus 2 syntactically correct, whereas 7 plus 11 not due to the absence of right parenthesis. ये example भी दिया है कि 10 plus 2 में simple bracket start हो रहा है फिर close हो रहा है, whereas 7 plus 11 is not due to absence of right parenthesis. Right parenthesis नहीं दिया है तो उसके according एरर आएगी। तो उस एरर को रेक्टिफाई करना तो सिंपल बात है, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगाना राइट साइड। इफ एनी सिंटेक्स एरर इज प्रेजेंट, यदि कोई सिंटेक्स एरर प्रेजेंट होती है, द इंटरप्रेटर शो एरर मैसेज एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन एरर, और वो एरर डिस्प्ले हो जाएगी। सच एरर्स नीड टू बी रिमूव्ड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और वो एरर जो है रिमूव कर देंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये डिबगिंग में तीन तरह की एरर है, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। अब लॉजिकल एरर बड़ी डिफरेंट टाइप की आती है। लॉजिकल एरर बट कॉल्ड सिमेंटिक एरर डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन बट द प्रोग्राम बिहेव्स इनकरेक्टली एंड प्रोड्यूस अनडिजायर्ड राउंड आउट। अब देखो इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रोग्राम रन हो जाता है, इन दिस सिचुएशन प्रोग्राम विल रन एनी हाउ, प्रोग्राम रन हो जाता है तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। पर आपका आउटपुट की पॉसिबिलिटीज गलत आ जाती है, सिंस द प्रोग्राम इंटरप्रेट सक्सेसफुली इवन द लॉजिकल एरर्स आर प्रेजेंट इन इट। इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज एरर्स। फॉर एग्जांपल इफ यू विश टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर 10 एंड 12, वी राइट द कोड 10 प्लस 12 अपॉन 2, it would run successfully and produce the result 16.
which is wrong. The correct code to the find average should have 10 plus 2 divided by 2 to get the result output. सही बात है, अब ये लॉजिकल एरर भाई. आपको दो नंबर का एवरेज निकाला तो दो नंबर को प्लस करके आप 2 का डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 10 प्लस 12 अपॉन 2, मतलब एक का एवरेज निकल रहा है और दूसरे को प्लस करके एवरेज निकालने के बाद तो द आउटपुट विल बी द 16, तो आंसर गलत आएगा. तो इसीलिए जब लॉजिकल एरर यही बताती कि आप प्रॉपरली लिखो. जैसे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट होता पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब आपने सपोज करो पी इंटू आर इंटू टी टी के अपॉन में 100 लिख दिया तो पॉसिबिलिटीज गलत हो सकती है. हालांकि मल्टीप्लाई रहता है तो मल्टीप्लाई में ऐसी दिक्कत आने की चांसेस नहीं रहते, लेकिन फिर भी अगर किसी लॉजिकल एरर की पॉसिबिलिटीज रहती तो हमेशा आप सेपरेट करो. तो पी इंटू आर इंटू टी आप सेपरेट ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज ये नॉर्मली प्लस में डिफरेंस आता है रिजल्ट का, मल्टीप्लीकेशन में इतना डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती. तो ये कहलाती है लॉजिकल एरर. ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं जिसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरह की एरर आती है. नेक्स्ट है रन टाइम एरर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर होती है. ये रन टाइम एरर जो होती है बेसिकली एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है. जब आप इसको रीड करोगे तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन बताया है और प्रोग्राम क्वालिटी से एग्जीक्यूट है. रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंटैक्टिकली बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट. तो रन टाइम एरर में क्या होता है, आपका प्रोग्राम रन हो जाता है लेकिन एग्जैक्टली एरर आने की पॉसिबिलिटीज रहती है, तो इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता. अब जैसे दे रखा एग्जाम्पल, वैसे when we have a statement having division operation in the program by mistake if the denominator value is zero then it will give a runtime error like division by zero. अब ये इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको बड़े सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करता हूँ. पहला है जैसे मान लो आपने दिया 4 divided by 0, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग तो रूल ये हो गया कि 4 divided by 0 का मतलब ये हुआ कि उस मैथ के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट इनफाइनाइट आ गया. अब आप हैंडल कैसे करोगे उस चीज, तो उसको हैंडल करने के लिए फिर मैथ के अकॉर्डिंग तो वो हैंडल होगा नहीं, डायरेक्ट वो आएगा. लेकिन आपको मालूम है कि ये इनफाइनाइट आता है तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा कि ये इनफाइनाइट आ रहा है, तो इस तरह की एरर को हम कैसे हटा रहे. तो ये वो टाइप की एरर है कि रन टाइम एरर, जिसमें आपकी ना सिंटेक्टिकल एरर दिख रही ना लॉजिकल एरर दिख रही, ये रन टाइम एरर. तो इसको हटाने का तरीका इनको बोलते हैं एक्सेप्शंस. हालांकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है उसमें, अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्शन और फिर इनको हैंडल करने के तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके काम आने वाली बात है. अब इसमें ये है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर इज कॉल्ड डीबगिंग. किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, उनको हटाना रन टाइम एरर कहलाते हैं. We need to debug a program so that it runs successfully and generate the desired output. तो ये आपका debugging कहलाती है और ये basically आप जब यहाँ आपने देखा ये एरर आ रही है तो ये एरर इसी कारण से आ रही थी. लॉजिकल रन टाइम. अब नया टॉपिक और हो रहा है. दो टॉपिक अभी हमने देखे बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटर्स या प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स
और सेकंड वाला हमने देखा डीबगिंग। तो आगे हम देखें फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाए, कैसे वर्क करे, कैसे एग्जीक्यूट करे। तो सबसे तीन चीजें होती है इसमें, डिसीजन, लूपिंग और जंपिंग। इसमें एक और इम्पोर्टेंट होती है, हम इसको भी बोल सकते हैं सीक्वेंस कंट्रोल। सेकंड हम इसको ये बोल सकते हैं, थर्ड इसको हम ये बोल सकते हैं, और फोर्थ। अब इसमें बेसिकली सीक्वेंस कंट्रोल मतलब जो अभी हमने सिंपल प्रोग्राम देखे ना, सिंपल इंटरेस्ट के, तो वो सीक्वेंस कंट्रोल है। सिंपल इंटरेस्ट है आपका, दूसरा एक्सचेंज ऑफ टू नंबर का, सम ऑफ टू नंबर के प्रोग्राम्स, सबसेक्शन ऑफ टू नंबर के प्रोग्राम्स, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम, ये सब आपका सीक्वेंस कंट्रोल है। मतलब उसमें एक सीधा सा मैथमेटिक्स चलता है, टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड आउटपुट। आपने इनपुट लिया, प्रोसेस करा और उनका आउटपुट, वो आपका कहलाता है सीक्वेंस कंट्रोल। मतलब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम होते हैं, देर इज नो कंपैरिजन, प्रॉपर इनपुट, प्रॉपर प्रोसेस और प्रॉपर आउटपुट, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल। इसीलिए इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं लिख रहा हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट सीक्वेंस कंट्रोल मैंने बता दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम वेयर नो कंपैरिजन इज देयर, टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड आउटपुट इट, दिस कंट्रोल इज कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। बिल्कुल सीधे सीधे प्रोग्राम जिसमें हमने कोई कंपैरिजन नहीं करा, तो ये सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। सेकंड है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। इसमें कंपैरिजन होता है, और इसमें कंपैरिजन होता है तो आगे उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेट इज अबाउट डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग, डिसीजन थ्री इवेल्युएट मल्टीपल एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स की वैल्यू इवेल्युएट होती है, तो वो आपका कहलाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसको हम इफ एल्स आगे पढ़ेंगे, तो इफ एल्स के पार्ट के डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के एग्जांपल जो है एक कंडीशन है, तो हम एक कंडीशन पढ़ रहे हैं। एक कंडीशन में हम कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज का, या टू और मोर देन टू वैल्यूज कंपेयर, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ये एग्जांपल भी दिया हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे
यूजुअली स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक रन होते हैं. हाउएवर देयर आर सिचुएशन व्हेन वी हैव टू when we have more than one option to choose from based on the outcome of certain conditions. This can be done using if else conditions. Conditional statement let us write program to do task or take different paths based on outcome of the condition. Simple baat hai, when we are comparing two values or more than two values, to hum usko batayenge. दो वैल्यूज या दो वैल्यूज से ज्यादा हम कंपेयर करेंगे तो उसका आउटकम या तो टू आता है पांच उसके अकॉर्डिंग. अब देयर आर थ्री वेज टू राइट इट इफ एल्स कंडीशन. तीन तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल इफ कंडीशन, दूसरा इफ एल्स और तीसरा नेस्टेड इफ. एक और होता है इफ एल्स एल्स. ये चार पांच कंडीशन होती है. इसमें अपन एक काम और करते हैं, इसका सिंटेक्स भी होता है. जैसे ये एग्जांपल को मैं अलग लूं, एक अलग स्लाइड लेके, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये पहला कंडीशन, इसमें याद रखना फर्स्ट कैरेक्टर कभी कैपिटल नहीं आता है. अब ये जो आपने लिया ये, इसका मैं इसको सिंटेक्स लिख के बता रहा हूं. एक सिंपल एज का प्रोग्राम लिया, ये तो एग्जाम्पल हुआ. इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब फॉर्मूला होता है. जैसे आप मैच पढ़ते हैं, मैच में फॉर्मूला होता है, यहां पर भी इसको सिंटेक्स बोला जाता है. और अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम ये याद रखें कि उसका सिंटेक्स हमको पता होना बहुत जरूरी है. तो इफ कंडीशन कॉलन, जैसे आप कॉलन एंटर करेंगे, यहां से वो इंडेंटेशन शुरू होगा. ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये यहां पर स्टेटमेंट लिख देते हैं. स्टेटमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ये इसका सिंटेक्स है. सिंटेक्स का मतलब फिर बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट होगा. जैसे यहां पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहां इफ कंडीशन के बाद कॉलन लगता है, और कॉलन के बाद जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे, जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे, वो कर्सर नीचे आ जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे. मतलब जितने स्टेटमेंट होंगे, वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट वहां पर आ सकते हैं. तो ये कलर, ये सिंपल इफ कंडीशन है. इसमें केवल ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा. इसमें अगर बाय द वे फॉल्स कंडीशन होती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. इसको अपन जो अपन ने प्रोग्राम बनाया उसको अपन पाइथन में ही चलाते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे वर्क करता है. फिर बता रहा हूं, इफ कंडीशन दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं. तीन या चार तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं हम इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन, इफ एल्स और इफ एल्स ऐसे करते हैं. तो हम एक प्रोग्राम के फॉर्म में ही बना लेते हैं. हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, पाइथन आईडीएली. नई फाइल बनाएंगे हम, वी आर क्रिएटिंग न्यू फाइल. अब ये हम काय का प्रोग्राम बना रहे, पहले हमको कमेंट मालूम होना चाहिए. कमेंट हमेशा देना जरूरी है, कमेंट देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमको समझ में आएगा.
हालांकि कमेंट हम अपने आप को शो करने के लिए बताते हैं, कमेंट ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती। अब यहां पर हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये पर्सन मैच्योर है, तो आउटपुट आया प्रोग्राम फॉर टू चेक द रिजल्ट इफ पर्सन इज मैच्योर, ये चेक कर रहे हैं। तो एज ली हमने, एज को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा, ये यहां पर एज इंटर योर एज, एज को कंपेयर करा। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो अगर आप एज 18 से ज्यादा है तो वो एलिजिबल होगा वोट के लिए। अब इसमें यहां पर हमने इस ये लाइन की कमेंट, अब इस लाइन की कमेंट में एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको कंपाइल करेगा इस लाइन को, और इसके बाद की लाइन को कंपाइल नहीं करेगा। तो ये चीज देखने लायक है, उसमें ये दे रखा है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब हम इसको सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। अब हमने दिया 20, तो आउटपुट आ गया एलिजिबल टू वोट। ये मैंने दिया तो आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएगी कैसे वर्क कर रहा है। अब मान लो इसको वापस रन करते हैं हम, और यहां हमने दे दिया 40, तो आउटपुट नहीं आएगा, देयर विल बी नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो फॉल्स कंडीशन में कैसे वर्क करेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बताना थी, कल हमने ऑपरेटर पढ़े थे, तो यहां ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ? यहां तीन ऑपरेटर यूज हुए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर, और फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बात समझने वाली है कि हम कौन कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, जैसे हमने यहां लिखा, अब आप देखो जैसे आप इंटर प्रेस करोगे कर्सर यहां आया, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इंडेंटेशन मतलब ये स्पेस ऑटोमेटिकली छूटेगी, ये बात ध्यान रखना जो मैंने जिसको हाईलाइट करा, दिस स्पेस विल ऑटोमेटिकली रिमूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इस कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी। इस कंडीशन फ्लो ऑफ कंट्रोल को बता रहा, कंट्रोल स्टेटमेंट को बता रहा, जब दो या दो से अधिक चीजों को कंपेयर करते हैं तो इस कंडीशन यूज होती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब आगे बता देते हैं, इसमें वैसे एक और कंसेप्ट चलता है, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे इसी को उल्टा कर दिया अपन ने, जैसे इसी को मैं अपोजिट कर देता हूं, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, पर्सन इज नॉट मैच्योर, और मैच्योरिटी की डेफिनेशन यही है। ये भले आप चाहो तो ये वाली हटा देते हैं, और यहां पर नॉट एलिजिबल टू वोट लेस देन, अब एक दूसरी वाली कंडीशन के लिए दिया, यदि एज 18 से कम है, इसमें अपने को 18 से कम बताना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा। ये समझने वाली बात है, और जरूरी नहीं है आप वेरिएबल का नाम एज जो भी आपको देना हो वो दे सकते हो,
तो हमने एक इंटर वेरिएबल लिया इनपुट इंटीजर न्यूमेरिक, उसको लिया, और फिर अगर 18 से कम है वो तो नॉट मैच्योर है। अब कंपेयर करते हैं, अब यहां मैंने दिया 15 तो नॉट एलिजिबल टू वोट, लेकिन अब मैं ऐसा दिया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। तो ये एक सिंपल इफ कंडीशन है जो हमने देखी, इसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। और ये आपने देखा ही है, ये पहले सिर्फ कंडीशन, अब आगे देखें अपन। हाँ, ये भी एक समझने वाली बात है, ये एक कंडीशन है, ये इफ एल्स है, ये भी एक वैल्यू दे रखी है, ये फिर एक इसका सिंटेक्स है इफ एल्स कंडीशन का। तो इसमें इसको भी अपन देखेंगे, अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि ये इफ एल्स कंडीशन है। इफ एल्स कंडीशन में ये होगा कि ट्रू और फॉल्स दोनों की वैल्यू बताएगा। यदि कंडीशन ट्रू हुई, ये यहां पर कंडीशन ट्रू हुई, ये एक्सप्रेशन की बजाय अपन कंडीशन रखते हैं। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जो अभी अपन ने प्रोग्राम देखा ना, इसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, और उसमें क्लियर होगा कि कैसे वर्क करेंगे। चाहे तो अपन उसी सिंटेक्स को, ये सिंटेक्स आप चाहे तो लिख सकते हैं, और उसी प्रोग्राम को आप एलिजिबल नॉट एलिजिबल दोनों के हिसाब से बना सकते हैं। मैं भी आपको उस प्रोग्राम को बता ही देता हूं। मैच्योर है या नहीं, एज ले लिया, और या हमने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एलिजिबल टू वोट, और यहां हमने क्या करा, एल्स दे दिया। देखो अब ये कर्सर जैसे मैं इंटरप्रेस करूंगा, ध्यान देना, एलिजी एल्स के बाद कॉलन है, उस कॉलन के बाद आप देखोगे तो इंटरप्रेस करूंगा तो लेफ्ट साइड नहीं आएगा, ये यहां आया। इसको बोलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स मतलब या तो पहली वैल्यू, ये वैल्यू कब, ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और वैल्यू फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब अपन देखते हैं, इसको बोलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स दोनों केस में प्रोग्राम आपका चलेगा। तो मैं आपको दोनों केस में आपको प्रोग्राम चला रहा हूं। ये लिया इंटर योर एज, मैंने दी 20 तो यहां आ जाएगा एलिजिबल टू वोट, मतलब एक कंडीशन ट्रू हुई, ये पहली वाली कंडीशन है जब ट्रू हो रही कि एज की वैल्यू, मतलब आपने 20 दी तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 20 18 से बड़ा है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट इंडेंटेशन कहलाता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है जगह छोड़ना, कॉलन के बाद जैसे इंटरप्रेस करते वो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर सेकंड वाला वापस, अब 18 से कम पे करते हैं 40 नॉट एलिजिबल टू वोट। अब देखो, अब प्रोग्राम दोनों केस में चल गया है। अब 14, ये 14 है, 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं, फॉल्स है, तो फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो यहां आएगा, तो या तो एक पार्ट एग्जीक्यूट होता है या दूसरा एग्जीक्यूट होता है, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो ये आज के लिए अपन इसमें इतना ही रखते हैं। बस इसमें एक और चीज आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये जो अपन ने लिया आई है, ये कंडीशन, ये ट्रू कंडीशन पे ये और फॉल्स कंडीशन पे ये, और दोनों आखिरी में स्टेटमेंट आएंगे।
ये ध्यान रखना कि कोई भी एक पार्ट एग्जीक्यूट होता है इस कंडीशन में, या तो एक पार्ट पहला वाला पार्ट या दूसरा वाला। पहला ट्रू पार्ट मानेंगे तो पहला एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी और कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं।